हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्यूबर। मैं हूं सीमा, आप लोग के साथ में। मैं अपने चैनल पर कर रही हूं 1 ईयर का हेयर ग्रोथ चैलेंज, जो कि अब तक का यूट्यूब पर सबसे बिगेस्ट हेयर ग्रोथ चैलेंज है और शायद मैं ही कर रही हूं इस चैलेंज को अभी तक। आप लोग के साथ में मैंने बहुत सारे चैलेंज किए हैं, 6 मंथ का किया है, 3 मंथ का किया है, 1 मंथ का भी किया है अपने ब्लॉग चैनल पर। तो आप लोग वहां पर उसको वॉच कर सकते हैं कि बालों की कैसी रखरखाव करनी है, किस तरीके से आपको अपनी डाइट लेनी है जो कि आपके बालों के लिए हेल्दी हो और आपके स्किन के लिए हेल्दी हो। आप नेचर पे विश्वास रखते हैं, नेचर पे बिलीव करते हैं, तो आपकी स्किन, आपके बाल और आपकी एज कम हो जाती है अगर आप प्रॉपर डाइट अच्छी लेते हैं। आप जानते होंगे कि जो पहले के लोग थे, जब 40, 50 और 60 और 70 साल के भी होते थे ना, वो लगते नहीं थे कि वो इतने एज के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट बहुत अच्छी होती थी। डाइट में मीन्स कि ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा फल फ्रूट सब्जी ये सारी चीजें खाते थे, नहीं, उन सब टाइम में जो चीज वो खाते थे, जो वो चीज लेते थे, तो उनकी चीजों में मिलावट नहीं थी। और आज के टाइम में क्या है, हम जो चीजें खाते हैं, चाहे दाल ले लो, चाहे वो सब्जी ले लो, चाहे वो आप कोई भी फ्रूट्स ले लो, सभी चीजों को केमिकल डाल करके उगाया जाता है, फिर हम लोगों के पास उसको भेजा जाता है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं फिर खाते हैं, ठीक है। तो हमारी स्किन पे वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते। फिर क्या आता है, घूम फिर के आप सप्लीमेंट्स लीजिए। मार्केटिंग बिल्डअप करने का जो तरीका, आप सप्लीमेंट्स लीजिए। सप्लीमेंट्स इतने ज्यादा महंगे होते हैं कि अगर आप 30 दिन की दवाई भी लेते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, तो आपका 3,000 रुपए का आ जाता है। तो इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता हर एक बंदा, राइट? तो आज की वीडियो में जो आप लोग के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा आयुर्वेदिक हेयर लिप, जो कि गंजे सिर पे भी बाल लाने की क्षमता रखता है। बहुत ही बेहतरीन ये हेयर मास्क है। जो भी बॉयज हैं हमारे चैनल को अगर विजिट करते हैं, तो मैं उनसे ये बोलूंगी कि भैया आप लोग इस चीज को एक बार ट्राई जरूर करना, और एक दिन में 8 से 9 बार कोम जरूर करना। मुझे पता है आप लोग ऑफिस जाते होंगे, जॉब करते होंगे, आपके पास टाइम नहीं है, बट गंजा सिर लेकर, टकला सिर लेकर के अच्छा भी तो नहीं लगता है, राइट? तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो चीज मैं आप लोग को बता रही हूं, 1 महीने करके देखिए। आप बाहर जाओगे, हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे, नकली बाल लगवाओगे, हेयर एक्सटेंशन कराओगे, तो वो आपका परमानेंट नहीं है अगर आपके सर पे बाल आ जाते हैं तो, है ना। तो आप लोगों के साथ में 1 ईयर हेयर ग्रोथ का जो 5th मंथ है, उसमें जो मैं रीग्रोथ हेयर लेप शेयर कर रही हूँ, ये बहुत जबरदस्त है। इसको आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए लगाना है और साफ सुथरे बालों में लगाना है, और उसके बाद आपको शैम्पू से वॉश करना है। शैम्पू कौन सा यूज करना है, जो मैंने आप लोग के साथ में मोरिंगा लीफ का हेयर शैम्पू शेयर किया है, ठीक है, वो शैम्पू यूज कीजिए। बहुत जबरदस्त शैम्पू है, मैंने खुद भी वॉश किया हुआ है, और उसको वॉश करने के बाद से आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। स्वेटिंग की जो समस्या है, जो सबसे बड़ी आपके बालों के झड़ने की जो समस्या है, वो है आपकी स्वेटिंग, जो सर पे आपके स्कैल्प में होती है, उसमें होता है नमक, और आपके स्कैल्प पे पोर्स में जाकर आपके हेयर फॉल को स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। तो उसको आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये, लेप बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन उनके रिजल्ट्स, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि आज की वीडियो में जो मैं लेप शेयर कर रही हूँ, इसको आप लोग बनाकर रख भी सकते हैं। जो जो चीजें मैंने इसमें ऐड करी है पाउडर, आप फॉर्म में इनको बनाकर रख लीजिए। जब आपको लगाना है, आपको उसको घोलना है और लगा लेना है, ठीक है। 3 महीने के लिए आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो रीग्रोथ हेयर लेप है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, इस हेयर लेप को बनाने के लिए, रीग्रोथ हेयर लेप को, गंजे सिर पे बाल लाने के लिए, इस लेप को बनाने के लिए आपको लेना है 1 ग्लास पानी। उसके बाद से हमें अमरबेल की जड़, अमरबेल की जड़ आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। अमरबेल एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा नेचुरल हर्ब है कि आपके गंजे सिर पे भी बाल लाने की क्षमता रखता है, और आपके बालों की जो ग्रोथ होती है ना गाइस, बहुत ज़बरदस्त होती है। इसका मैंने आप लोग के साथ में पूरी कंप्लीट सीरीज़ भी शेयर करी हुई है, और आप लोग अगर उन सीरीज़ को भी फॉलो करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो अमरबेल की जो जड़ लेनी है, वो 1 मुट्ठी के करीब लेनी है। आपकी मुट्ठी में जितना आ जाए आप उतना ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है कि हमें 1 कटोरी लेना है, आधा कटोरी लेना है, या कितना लेना है, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 मुट्ठी भर लेना है, क्योंकि आप अपना पैक खुद से बनाएंगे तो आपकी मुट्ठी जितनी है उतना आपके बालों में लग जाएगा। तो आपको अपनी मुट्ठी से भरकर 1 मुट्ठी अमरबेल की जड़ ले लेनी है। इसको हमें बिल्कुल बढ़िया से धीरे धीरे फ्लेम पर अच्छे से बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है इसको कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और जो पानी का कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए, ठीक है ना।
इस तरीके से आपको इसको बॉईल करना है। जैसे ही आप इसको बॉईल कर लेंगे ना, तो जो इसकी जड़ें हैं, जो इनके अंदर गुडनेस होती है, वो इनमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगी। इन्फ्यूज़ होने के बाद हमें इसको क्या करना है, दूसरे कंटेनर में निकाल करके अपना लेप रेडी करना है। तो चलते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वाटर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है ना, लेप बनाने के लिए। तो हमने क्या किया है, इसको एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ अपने नेचुरल हर्ब्स, जो कि गंजे सिर पर बाल लाने के लिए, रिग्रोथ के लिए, बालों की नई ग्रोथ के लिए, बालों में नई जान डालने के लिए, बालों को मजबूत करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो 3 चम्मच आपको लेना है मेथी पाउडर। सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिलाना है, एक एक करके मिलाना है। तो मेथी पाउडर की जो क्वांटिटी रहेगी वो 3 से 4 चम्मच रहेगी, ठीक है ना। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो आपको 1 टेबल स्पून ही लेना है, मतलब कि 1-1 चम्मच लेना है, ठीक है ना। देखो, खाने वाला जो चम्मच होता है उसको टेबल स्पून बोलते हैं, टी स्पून जिससे हम चाय पत्ती में यूज़ करते हैं, तो टी स्पून अलग होता है और 1 टेबल स्पून यानी कि जो खाने वाला चम्मच होता है वो। नेक्स्ट हमने लेना है यहाँ पर व्हीट ग्रास पाउडर। ये आपके खोए हुए बालों को वापस लाने में, जड़ से रिग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपके स्कैल्प को क्लीन करता है, क्लींजिंग करता है, जिससे कि जो पोर्स हैं वो सांस ले रहे होते हैं और जो भी चीज़ आप लगाते हैं तो वो उनके अंदर जाती है। तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। नेक्स्ट हमें लेना है करी लीव्स का पाउडर। मैंने यहाँ पर केवल 3 पाउडर का यूज़ किया है, मेथी पाउडर, करी लीव्स पाउडर और यूज़ किया है व्हीट ग्रास पाउडर। इनकी परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल कर दूंगी और शॉपिंग बैग में भी डाल दूंगी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमें पता नहीं लगता है शॉपिंग बैग कहाँ पर आता है। जब हमारी वीडियोज स्टार्ट होती हैं तो आपने देखा होगा, अच्छे से वीडियो को देखा करें, वहाँ पर एक बैग जैसा बना होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। 1 घंटे के लिए इसको बनाकर रख दें, उसके बाद साफ सुथरे बालों पर 1 घंटे के लिए लगा लें। सो गाइस, देखा आपने हमारा जो रीग्रोथ हेयर लेप है, ऐसा लेप जो गंजे सिर पे भी बाल ला देगा, वो लेप बन करके रेडी है। इस लेप को आपको अपने बालों में लगाना है। इसका एप्लीकेशन चाहते हैं तो सीमा ब्लॉग को फॉलो जरूर करें, मैं वहां पर आप लोग के साथ में इसका एप्लीकेशन शेयर करूंगी कि किस तरीके से उसको लगाना है और किस तरीके से वॉश करना है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा, आपको ये वीडियो मॉर्निंग में सीमा ब्लॉग पर डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर देखें, आप मॉर्निंग में भी देख सकते हैं और आप चाहें तो 11 से 12 के बीच में भी वीडियोस देख सकते हैं। मेरे जो व्लॉग्स होते हैं थोड़े से लेट आते हैं बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बट आप लोगों के लिए व्लॉग्स जरूर से जरूर शूट करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वहां पर सीमा ब्लॉग पर इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं और हेयर वॉश देख सकते हैं, ठीक है। तो इस लेप को बनाइए, यूज कीजिए, यूज करने के बाद से जो रिजल्ट आते हैं मेरे साथ में शेयर जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और बहुत सारा पानी पीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।